रत्नाथ ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। यूपी में फिल्म जीएसटी फ्री भी कर दी गई है। तो फिल्म में तानाजी मालुसरे की वीरता दिखाई गई है, ऐसा सीएम ने कहा है, और इस फिल्म से युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। तो आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया। 10 जनवरी को रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को टैक्स फ्री कर दिया गया है, यूपी में से टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। फिल्म में तानाजी मालुसरे की वीरता दिखाई गई है, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, इससे लोगों को काफी प्रेरणा मिलेगी। तो आपको बता दें कि 10 जनवरी को यह फिल्म रिलीज हुई थी, तानाजी द अनसंग वॉरियर। ये फिल्म 10 जनवरी को रिलीज हुई थी। तो एक बड़ा फैसला यहां पर लखनऊ में लिया गया है, जहां पर यूपी में इस फिल्म को अब टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि 10 जनवरी को रिलीज हुई अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर ने सिनेमाघरों में 10 जनवरी को दस्तक दी थी, और फिल्म को काफी दर्शकों का प्यार भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस फिल्म से काफी प्रेरणा युवाओं को मिलेगी, और इसीलिए इस फिल्म को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया गया है। तो यूपी में फिल्म जीएसटी फ्री भी कर दी गई है। संजय हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है, आखिर क्या कुछ वजह रही जिसके चलते इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया? बताऊं कि मराठों पर बनी ये फिल्म अजय देवगन की है, और जो है महाराष्ट्र के मराठों पर बनी हुई है, तो ऐसे में ऐतिहासिक फिल्म को देखते हुए यूपी सरकार ने यहाँ पर टैक्स फ्री कर दिया है, और इसकी घोषणा भी ऑफिशियल तौर पर मनीष कर दी गई है। जी संजय, अगर यहाँ पर बात की जाए छपाक फिल्म की, तो ये फिल्म भी 10 जनवरी को रिलीज हुई थी, एसिड अटैक सर्वाइवर्स के ऊपर ये फिल्म बेस्ड है। क्या इस फिल्म को भी टैक्स फ्री किया जाएगा यूपी में, ऐसे कुछ आपको खबर मिली है? मैं बताऊं आपको कि छपाक भी एसिड अटैक लोगों पर है, और कहीं ना कहीं सर्वाइव करने वाली प्रेरणा देने वाली फिल्म है, लेकिन दीपिका पादुकोण का जेएनयू पर जाने के बाद जिस तरीके से विवाद उमड़ा है, तो उस विवाद को देखते हुए एक तबका जिस तरीके से जेएनयू के पक्ष में खड़ा दिख रहा है, तो एक तबका दीपिका के खिलाफ और जेएनयू की विचारधारा के खिलाफ दिख रहा है। तो ऐसे में छपाक फिल्म का टैक्स फ्री होना, और चूंकि बीजेपी की सरकार है यूपी में, तो ऐसे में छपाक फिल्म का जो है टैक्स फ्री होना मुश्किल ही लग रहा है। हालांकि तानाजी फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है सरकार ने, और इसकी जो ऑफिशियल घोषणा भी हो गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय। और खबर दिल्ली से है, जहां पर निर्भया रेप केस का आज मामला, इस पर सुनवाई होगी।